सब्सक्राइब करें को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे दिस इज द लास्ट सेलेवन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपिक दैट इज प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क इन दिस टॉपिक वी विल सी hazards and resource of hazards so let us start our video and see the topic in session 11 so today our topic is hazards and resources of hazards as we know that every time everywhere there is the risk of hazards so uh, what is the hazards and what are the resources of hazards let us see an organization, organization can face some health hazards that could put the lives of the employees in danger hazards can be of different types depending on the industry and the environment in which the employees work hazards actually wo jokhim hai wo khatra hai जो हम लोग काम करते वक्त किसी भी इंडस्ट्री में यदि हम काम करते हैं किसी भी जगह पे काम करते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी संस्था है वहाँ पे कुछ हज़ार्स इशूज़ यानी कि कुछ हेल्थ रिलेटेड जोखिम होते हैं खतरे होते हैं जो उनके इम्प्लॉयज़ वो खतरे लेते हैं और वो खतरे ऐसे होते हैं कि उनके लाइफ रिस्क भी हो सकते हैं यानी कि जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग काम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन पे कई अलग अलग तरह के जोखिम भरे काम हो सकते हैं कई ऐसे खतरे हो सकते हैं जिनमें इम्प्लॉयज़ की जान भी जा सकती है ये जो हेज़ार्ड्स हैं इन्हीं को हम लोग जोखिम या खतरा कहते हैं ये जो हेज़ार्ड्स हैं ये हेज़ार्ड्स कई तरह के होते हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर अलग अलग इंडस्ट्रीज पे अलग अलग तरह के हेज़ार्ड्स होते हैं जो कि हम लोग अभी देखेंगे ये हेज़ार्ड्स इनमें से कुछ टाइप जो है हेज़ार्ड्स के वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला है फिजिकल हेज़ार्ड दूसरा है केमिकल हेज़ार्ड तीसरा है बायोलॉजिकल हेजार्ड एंड फोर्थ वन इज मैकेनिकल हेजार्ड्स यहाँ पे चार तरह के हेजार्ड्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इन चारों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे ये चार हेजार्ड्स क्या है और इनके रिसोर्सेज हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल हेजार्ड अ फिजिकल हेजार्ड इज एन एजेंट फैक्टर और सरकमस्टेंसेज दैट कैन काउज हार्म विद कॉन्टैक्ट दे कैन बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेजार्ड और इनवान्वाजार्ड फिजिकल हेजार्ट इंक्लूड ऑर्गेनिक रेडिएशन हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस वाइब्रेशन हेजार्ट एंड नॉइज फिजिकल हेजार्ट हैं ये किसी भी चीज के कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स में आने से हो सकता है या किसी और चीज से जैसे हम लोग आग पे काम करते हैं हीट पे काम करते हैं रेडिएशंस पे काम करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं किसी कोल्ड uh, uh, जगहों पे काम करते हैं कोई वाइब्रेशन का हैजार्ड्स हो सकता है या बहुत ज़्यादा शोर है जहाँ हम काम करते हैं हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है तो ऐसे कई तरह के हैजार्ड्स होते हैं जो फिज़िकल हैजार्ड्स कहलाते हैं आज के डेट में एक बहुत बड़ा फिजिकल हैजार्ड जो कोरोना कोविड 19 हम लोग देख पा रहे हैं ये कांटेक्ट में आने से ये फैलने वाला जो हैजार्ड्स है ये फैलने वाली जो बीमारी है तो ये एक तरह का फिजिकल हैजार्ड्स में ही इसको रखा गया है बट फिज़िकल हैजार्ड्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं रेडिएशन से हो सकते हैं हमारे हीट से हो सकते हैं कोल्ड स्ट्रेस से हो सकते हैं वाइब्रेशन से हो सकते हैं या नॉइज से हो सकते हैं तो इस तरह के हज़ार्ड्स कहलाते हैं फिजिकल हज़ार्ड्स जो दूसरे तरह का हज़ार्ट है दैट इज केमिकल हज़ार्ट कई जगहों पर कई ऑर्गेनाइजेशंस में केमिकल्स के साथ काम होते हैं लोग केमिकल्स से काम करते हैं केमिकल्स का यूज़ करके काम करते हैं उन जगहों पर इन केमिकल हेज़ार्ड्स होने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं कई बार हमारे हाथों में लग करके हमारे मुंह के जरिए या कहीं हमारे कॉन्टैक्ट्स के जरिए वो जो केमिकल्स हैं वो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं और कभी कभी इतना भी हार्म कर सकते हैं कि हमारी लाइफ भी जा सकती है तो ये जो केमिकल हेज़ार्ड है केमिकल हेज़ार्ड इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स काउज्ड बाई एक्सपोजर टू केमिकल्स इन द वर्क प्लेस तो वर्क प्लेस वर्क प्लेस पे जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं जहाँ केमिकल्स के द्वारा काम होता है उन केमिकल्स में उनके एक्सपोजर से कभी कभी जो इम्प्लॉयज होते हैं उनकी लाइफ रिस्क हो सकती है और इस तरह के हेज़ार्ड्स को हम लोग कहते हैं केमिकल हेज़ार्ड

तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बायोलॉजिकल हेज़ार्ड्स जो हैं ये आ, हमारे शरीर पे खास करके ह्यूमन जो बॉडी है उस पर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल हेजार्ड बायोलॉजिकल अटैक यानी कि ये किसी भी चीज़ से हो सकते हैं माइक्रो माईक्र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं वायरसेस से हो सकते हैं या ऐसी चीजें जो मेडिकल वेस्ट हम लोग फेंकते हैं सैंपल्स फेंकते हैं उन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस उनसे हो सकते हैं जो टॉक्सिन्स होते हैं जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो जो पैकेज जाते हैं उनसे हो सकते हैं तो ये इन चीज़ों से हमारे शरीर पे खतरा हो सकता है आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं इन बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को कोरोना वायरस के रूप में हम ये महसूस कर पा रहे हैं आज पूरी दुनिया त्रस्त है इस तरह के वायरसेस से तो ये जो वायरस है ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल हेज़ार्ड के अंदर आता है जो कि आज इसीलिए मना किया जाता है कि बाहर मत निकलिए और लोगों के कांटेक्ट में मत आइए सोशल डिस्टेंसिंग करिए ताकि ये जो बायोलॉजिकल हेज़ार्ड्स है ये हमारे तक भी ना पहुंच जाए हम इससे ग्रसित ना हो जाए इसलिए बोला जाता है कि कॉन्टेक्ट में मत रहिए इसके बाद है मैकेनिकल हेज़ार्ड मैकेनिकल हेजार्ट यानी मशीनरी से काम करते वक्त अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट का खतरा हमारे ऊपर बना रहता है कभी भी थोड़ी सी गलती थोड़ी सी असावधानी अगर होती है तो मशीन्स से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है मशीनरी से हमें काफ़ी चोट आ सकती है या हमारा लाइफ भी जा सकता है डेथ हो सकती है मैकेनिकल हेजार्ट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर पावर्ड और मैनुअल यूज ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स और मशीनरी एंड प्लांट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल हेजार्ड इज कॉन्टेक्ट और इंटेंगलमेंट विद अन गडेड मूविंग पार्ट ऑन अ मशीन तो जो कई बार मशीन होते हैं जो वर्क करें यहां फिगर में हम लोग देख पाते हैं तो कई बार ऐसे मशीन होते हैं जिनके ऊपर गार्ड नहीं लगा होता है यानी कि जैसे यहाँ पे ये रोलर देख पा रहे हैं इस रोलर के अंदर हाथ जाने का खतरा बराबर रहता है हम जो गुड्स इसके अंदर लगाते हैं वो लगाते लगाते कई बार ऐसा आपने एक्सीडेंट सुना होगा कि उनका हाथ मशीन के अंदर चला गया तो वैसे मशीनरी जिनके ऊपर गार्ड नहीं लगा जिनके ऊपर जाली नहीं लगी जिनके ऊपर किसी तरह का प्रिकॉशनरी uh, गार्ड नहीं लगा हो तो उन मशीन से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है हमको चोटें आ सकती है या हमारे लाइफ रिस्क हो सकती है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टूल्स हैं एपरेटस हैं उससे चोट लग जाती है कई बार ये एपरेटस हैं जिसमें गलती से uh, हमको नुकसान हो जाता है तो ये जो चार हज़ार्स हम लोगों ने देखे यहाँ पे ये uh, चारों हेजार्ट हैं हम लोग जो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आखिरी हेजार्ट हम लोगों ने देखा दैट वाज मैकेनिकल हेजार्ट अब हम लोग बात करेंगे ऑफ की यानी कि ये जो हेजार्ट हैं इनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं यानी कि वर्क स्टेशन पे हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग इस हेजार्ट से ओवरकम कर सके हम लोगों को किसी भी तरह का लाइफ रिस्क ना हो सबसे पहला है कि प्रोवाइड सफिसियंट स्पेस फॉर द यूजर टू अल्टर पोजिशन कंफर्टेबली यानी कि हमारे हम जो हमारा जो वर्क वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पे हमारे पास इतनी स्पेस जरूर होनी चाहिए कि जो यूजर है जो काम करने वाला आदमी है वो अपनी पोजिशन बदल सके वो इधर उधर हो सके प्रोवाइड एटेक्ट लाइटिंग काफी एनफ मात्रा में लाइटिंग जरूर होनी चाहिए किसी भी तरह का लाइट का अभाव नहीं होना चाहिए जिससे कि मशीनरी uh, के ऊपर काम करने में किसी तरह की दिक्कत हो हैव विंडोज फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग टू अल्टर द सनलाइट लेवल जो सनलाइट लेवल है हमारी जो खिड़कियाँ हैं उन वो एडजस्टेबल होनी चाहिए ताकि हमको कभी सनलाइट की जरूरत है या कभी उनको रोकना है तो दोनों ही तरह का हम लोग काम कर सकें बी स्पेसियस एन ऑफ मैन ऑफ वर्क वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन यदि हम लोग एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्क स्टेशन पे काम करते हैं उसी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी स्पेसियस होना चाहिए ताकि लोग आसानी से काम कर सकें और एक दूसरे को तकलीफ भी ना हो हमारा जो डिस्प्ले स्क्रीन वहाँ पे जरूर होना चाहिए डिस्प्ले स्क्रीन में क्या होना चाहिए डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑफ एडिकुएट साइज एंड स्पेसिंग यानी कि जो हमारा जो आएगे एडिक्यूट साइज है यानी जो स्पेसिंग है वो वहाँ पे वेल well डिफाइंड होनी चाहिए पहले से लिखा होना चाहिए क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने हैं उसकी डिस्प्ले होनी चाहिए हैव अ स्टेबल इमेज वहाँ पे पिक्चर्स uh, जरूर लगाए हो, होने होने चाहिए स्टेबल पिक्चर्स होने चाहिए वहाँ पे हमेशा के लिए हैव इजिली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट जो हमारा डिस्प्ले है वो डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है वो आसानी से एडजस्टेबल हमने डिस्प्ले लगा रखा है डिस्प्ले हम में हमने कैरेक्टर्स लगा रखे हमने जो सबसे पहला तो है कि डिस्प्ले का हमारा पोजीशन सही होना चाहिए उसके प्लेस सही होनी चाहिए उसकी spacing सही होनी चाहिए उसका साइज सही होना चाहिए ताकि आसानी से लोग उसको देख सकें दूसरा है कि उसकी जो इमेज है वो एकदम स्टेबल होनी चाहिए वो नहीं कि फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार फ्लिकरिंग हो रही है उसके अंदर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आसानी से उसका एडजस्ट होना चाहिए ट्विल्ट और स्विबल जो है टिल्ट एंड स्वीबल इजिली टू सूट द यूजर जो उसमें यूज करते हैं जो यूज़र वर्क करते हैं तो वो यूज़र के अनुसार वो एडजस्टेबल होनी चाहिए ग्लेयर और रिफ्लेक्शंस के से फ्री होनी चाहिए यानी कि उन डिस्प्ले में किसी भी तरह का आँखों के ऊपर किसी तरह की उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और जो उसका बेस है वो एकदम अलग होना चाहिए सेपरेट बेस यूज करना है स्क्रीन को या एडजस्टेबल टेबल के ऊपर उसको लगा करके यूज करना है वर्क सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा तो वर्क सरफेस में हमको ध्यान रखना है प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूजर जो हमारा वर्क सरफेस है उसमें हर एक यूजर के लिए एक पर्याप्त स्पेस होना चाहिए हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस काम करते वक्त हमको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो हमारा सरफेस है जो हमारा सतह है हमारी जो फर्श है या हमारा जो टेबल है वो रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए ताकि हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमको परेशान ना करे बी ऑफ एन एडिकुएट साइज टू अलाउ द स्क्रीन कीबोर्ड एंड अदर पेरीफेरल्स टू बी फ्लेक्सीबली अरेज तो वहां पे वो जो हमारा साइज है उसका वो एकदम एडिकुएट होना चाहिए ताकि सारी चीजें जो हमारा स्क्रीन है कीबोर्ड है या जितनी भी पेरिफेरल्स हैं उनको हम आसानी से वहां पर एडजस्ट कर सके फ्लेक्सिबल होनी चाहिए हम उसको जैसे मन वैसे एडजस्ट करके रख सके अ स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर विच शुड बी एट द सेम लेवल एट द स्क्रीन एंड द सेम व्यूविंग डिस्टेंस हमारे साथ एक एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रिंट करने के लिए या व्यू करने के लिए या उनको देख करके टाइप करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे एक एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर होना चाहिए एडजस्टेबल करने का मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको एडजस्ट कर सके हाइट कर सके या लो कर सके या प्लेसेस थोड़ी बदल सके तो वो एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर होना चाहिए और उसकी जो लेवल है उसकी जो हाइट है वो हमारे स्क्रीन के हाइट की होनी चाहिए और ऐसे डिस्टेंस पे लगाए होने चाहिए जिसमें हम आसानी से उसको देख सके उसको पढ़ सके वर्क प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इवेक्एशन इवेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अ स्पेस प्लेस केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर जैसे ही कोई तरह की इमरजेंसी आती है तो हमारा पूरा वर्क प्लेस खाली करके दूसरे स्थान पे ले जाना तो यानी कि वर्क प्लेस को जितनी जल्दी हो जितनी आसानी से हो और जितनी जल्दी हो वो वर्क प्लेस पूरा खाली करना किसी भी इमरजेंसी में किसी भी डिजास्टर में किसी भी आपदा में हम अपने वर्क प्लेस को कैसे जल्दी से जल्दी खाली कर सकेंगे और पूरा वर्क प्लेस खाली कर सकेंगे उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए एंड इवेक्एशन पॉलिसी Every organization must have an evacuation policy. All the team leaders are responsible for informing that the policy to their employees about it. Proper attention must be paid when the team leader is informing you about these details. Negligence at the time may cost lives. तो इवेगेशन की जो पॉलिसी है जो हम लोगों को वहां पे फॉलो करनी है तो जो टीम लीडर्स होते हैं जो वर्क प्लेस पे जो टीम लीडर्स होते हैं उनको इस बात की खासा ध्यान रखनी चाहिए और उनको अपने मैनेजमेंट को भी बताना चाहिए साथ ही साथ वो अपने इंप्लॉयिज को भी बताएंगे और इंप्लॉयिज को जब बताते हैं तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जान भी जा सकती है इस तरह की नेग्लिजेंसी में ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव है डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसी इंस्योर दैट एवरी इंप्लॉय वर्कर मस्ट नो वे तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एसेंबली पॉइंट जरूर होना चाहिए इमरजेंसी के वक्त यानी कि जब भी किसी तरह की इमरजेंसी हो तो हम लोग वहां पर इकट्ठा हो सके और हरेक वर्कर को उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो इमरजेंसी के वक्त तो वहां पर पहुंच सके अ बड़ी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स और डिजेबिलिटीज मस्ट बी डेजिगनेटेड दिस सिस्टम इंस्योर दैट असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रिविज और द इम्पैक्टेड एरिया प्रॉपरली इफ यू आर अ बडी टू समन एन्श्योर दैट योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट इफ विद यू तो यहाँ पे एक बडी सिस्टम यानी कि जो हमारे कुछ अपाहिज लोग होते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं तो उन डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के साथ रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको इस बात का ध्यान वैसे पर्सन अपॉइंट जरूर होने चाहिए जिनको जिन उन, उन पर्सन के साथ में जिनको की एक स्पेशल केयर की जरूरत है जिनके साथ कुछ डिजेबिलिटी है और वो वर्क कर रहे हैं तो उनके साथ में एक जरूर एक बड़ी सिस्टम जरूर बनानी चाहिए ताकि वो लोग उनका स्पेशल केयर कर सके और जब भी इस तरह की इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी के वक्त उनको असेंबली पॉइंट पर सुरक्षित वहां से के पहुंचा प्लान इन कैन यूज इट इन टाइम ऑफ नीड तो वहां पे फ्लोर प्लान फ्लोर प्लान की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए इवेक्एशन में ताकि फ्लोर प्लान और उसकी रूट्स जो हमारे वर्क एरियाज के हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए वो होने चाहिए और हमको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए हमको वो समझ में जरूर आना चाहिए कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब उसकी जरूरत हो तो असेंबली एरियाज वेर यू आर रिक्वायर्ड टू असेंबल आफ्टर इवेक्यूशन मस्ट बी प्रोपरली टेकन केयर ऑफ जो असेंबली एरिया है जहां इमरजेंसी पर लोग इकट्ठा होंगे उन एरियाज का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए उनको प्रॉपरली उन, उनका ध्यान रखना चाहिए पीरियडिक इवेक्वेशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड इंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दिस ड्रिल्स यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन लाइफ टू तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो इवेक्एशन है जो हम लोगों का बचाव है जिस समय हम लोगों को इवेक्ेशन पीरियड में हम लोग इवेक्एट करते हैं तो वहाँ पे इसकी पीरियोडिक इवेक्ेशन ड्रिल यानी कि इसकी रिहर्सल करने की जरूरत है और टाइम टू टाइम इसको जरूर आप इसकी रिहर्सल करें ताकि जो ऐसा इमरजेंसी अगर आ जाए तो वहां पे लोग उस तरह से बचाव कर सके और ये जब ऐसे इवेक्वेशन ड्रिल्स होते हैं वहां पे हम लोगों को उस पर स्पेशल अटेंशन रखना है क्योंकि अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो हम अपनी जान गंवा सकते हैं और यदि हम अटेंशन रखते हैं तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं साथ ही साथ औरों की भी जान बचा सकते हैं अ हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड अ वेरी पॉपुलर सेल्दी लाइफ स्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग A healthy living has a lasting impact on an individual with ultimately yields a healthy environment at home as well as at workplace. A, a happy and healthy worker will always perform best to his ability. तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है ये हम लोगों ने बचपन से सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है तो हमेशा ये सच भी है कि जिन जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं जिनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो हमेशा अच्छा सोचते हैं अच्छा करते हैं और अच्छी चीज़ों अच्छे इन्वायरमेंट पैदा करते हैं अच्छे अ, काम को करते हैं खुश रहते हैं और लोगों को भी खुश रखते हैं तो वो हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्प टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेल बींग जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है हम लोगों का वो हमको हमारे जो हेल्थ uh, uh, है उसको भी इम्प्रूव करता है और जो हमारे वेल well हैं जो हम मतलब हम को और हमारे लोगों को एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कराता है हेल्दी कहते किसको हैं अब हम कैसे समझेंगे कि हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल है हमको हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहना चाहिए तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम लोग ध्यान रख सकते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम लोगों को हमेशा एक हेल्दी फूड लेना चाहिए ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हम हेल्दी फूड ले सकें फिजिकल एक्टिविटीज़ हमको फिजिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कुछ एक्सरसाइज़ कुछ योगाज फिक्स फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमारी फिटनेस बनी रहे स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए हमको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए तनाव नहीं लेना चाहिए किसी भी तरह के परेशानी नहीं लेनी चाहिए उसका मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए हेल्दी माइंड हमेशा हमारे दिमाग को स्वस्थ रखना है हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें आए साउंड स्लिप हल्की नींद लेनी है और हमारी जो गोल है यानी कि हमारा जो लक्ष्य है उसकी सेटिंग करनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है हमको करना क्या है हमारा लक्ष्य क्या है तो हमको ये जरूर ध्यान रखना है हेल्दी लाइफ स्टाइल टेक्स नीड्स प्रैक्टिस कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स हैप्पी लाइफ स्टाइल क्या है कि वो आप Uh, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है फिर लाइफ स्टाइल के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कमिटमेंट uh, की ज़रूरत होती है और सिंसियर एफर्ट उसमें जो कोशिश है वो सिंसियर एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है सो स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी हमेशा हेल्दी रहिए खुश रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो